हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? सुबह सवेरे का टाइम है, काम हो गया है, नहाना धोना, पूजा पाठ सब करने के बाद, चाय नाश्ता करने के बाद बैठी थी। तो अब नंबर है अपने प्लांट को भी नहलाने का। हमारा नहाना जितना ज़रूरी है फ्रेंड्स, उतना ही ज़रूरी होता है हमारे प्लांट्स का भी नहाना। तो सावरिंग बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इस समर के सीज़न में। तो जब भी मौका मिले, वैसे तो डेली हमें अपने प्लांट्स को एक बार तो सावरिंग देनी ही चाहिए, लेकिन अगर टाइम नहीं है तो कम से कम हफ्ते में 2 से 3 बार अपने प्लांट्स को अच्छे से नहला दीजिए, क्योंकि ये बहुत मस्ट हो जाता है। क्योंकि सीज़न है गर्मी का, और जैसे नहाने के बाद हम लोग तरोताज़ा फील करते हैं, सेम इसी तरह हमारे प्लांट भी नहाने के बाद में अच्छा महसूस करते हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारी, मैं अगर कहूँ तो 50% जो प्लांट्स में बीमारियां हैं, इंसेक्ट का अटैक होता है, तो अगर आप सावरिंग देते हैं तो 50% आपको वहीं से रिलीफ मिल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने प्लांट्स को नहलाना। तो मैं पाइप का यूज बहुत कम करती हूँ, क्योंकि मुझे पहले बात तो अंदर से लेकर बाहर तक पाइप फैलाना पड़ता है, और इसके बाद में जो उसका प्रेशर है वो भी काफ़ी है। तो मुझे लगता है कि यार, प्लांट जितना जितना पानी प्लांट में जाएगा उससे ज़्यादा पानी बह के निकल जाता है। तो पता नहीं क्यों मेरी आदत है कि जब भी एक भी बूंद पानी का बर्बाद होता है तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो कोशिश हमेशा मेरी यही रहती है कि मैं स्प्रेयर से स्प्रे बोतल के थ्रू अपने प्लांट्स को नहलाऊं। तो यही करने वाली थी, और साथ में ढेर सारी बातें करते रहेंगे, क्योंकि मैं सावरिंग कराती जाऊंगी अपने प्लांट्स को, आपसे बातें भी करती जाऊंगी क्यों ज़रूरी रहती है सावरिंग आपके प्लांट्स को। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं वीडियो, और बातें भी करते हैं आपके साथ। अपने बाहर के प्लांट को मैंने अच्छे से सावर दे दिया है। वहाँ वीडियो शूट करना मैं थोड़ा सा पसंद इसलिए नहीं करती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि वहाँ शोरगुल बहुत रहता है, और फिर वीडियो को एडिट किए बिना डाला नहीं जा सकता। और तो यहीं मैं आपको सावरिंग करके दिखाती हूँ। बहुत अच्छे से आपको अपने प्लांट को सावरिंग देनी होती है। इससे फ़ायदा ये होता है फ्रेंड्स, जो कीड़े वगैरह होते हैं, स्पाइडर माइट है, स्पाइडर वाइट है, और जो मिली बग वगैरह लग जाते हैं, तो अगर इस तरह से प्रेशर से हम अपने प्लांट को नहला देते हैं तो वो हट जाते हैं, और फिर वो अपनी जगह भी नहीं बना पाते। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि इस तरह से आप जब पत्तियों को नहला देते हैं ऊपर नीचे से बिल्कुल, तो ये आप जानते हैं कि पत्तियाँ अपना पेड़ प्लांट जो है अपना खाना पत्तियों के थ्रू ही बनाता है। तो जब इस तरह से हमारी पत्तियाँ बिल्कुल लश ग्रीन और एकदम क्लियर रहती हैं, तो फिर ये अपना खाना भी अच्छे से, भोजन भी अच्छे से बना पाता है। और जब भोजन अच्छे से बना पाएगा तो फिर हमारा प्लांट बहुत ही हेल्दी रहेगा, और आपको कीड़े मकोड़ों से भी मुक्ति मिल जाएगी। तो यकीन कीजिए फ्रेंड्स, इस बार मैंने ऊपर भी छत पर अपने अधिकतर प्लांट्स में जितने भी मिली बग वगैरह लगे थे, इसी तरह से सावरिंग दे देख कर ही मैंने हटाया। और कोशिश की है कि मैं किसी भी तरह का कोई स्प्रे ना करूं गर्मियों में स्पेशली, क्योंकि वैसे भी हमारे प्लांट इस समय स्ट्रेस झेल रहे हैं बेचारे, गर्मी झेल रहे हैं, ऊपर से स्प्रे कर दें अगर हम, भले ही ऑर्गेनिक ही स्प्रे करें हम, लेकिन कुछ तो फ़र्क पड़ता ही है। तो मैंने अपनी बार पूरी कोशिश की कि इस तरह से पानी के थ्रू ही मैं सारे जितने भी कीड़े वगैरह लगे थे, मिली बग है, स्पाइडर माइट है, ये सब लगे थे, तो हटाऊं, और मुझे रिजल्ट भी बढ़िया मिला। मैं दूसरे तीसरे दिन इसी तरह से स्प्रे बोतल से बहुत प्रेशर के साथ पानी अपने प्लांट में से जब मारती हूँ, तो फिर कीड़े मकोड़े जरा जो यहाँ सब छिपे होते हैं वो भी भाग जाते हैं, और हमारे प्लांट भी हरे भरे रहते हैं। तो मैंने यहाँ कुछ प्लांट हैं थोड़े से इसमें करके आपको दिखाया है, बाकी छत मैं तो पाइप से डाल देती हूँ पानी, और बाहर वाली जो बालकनी है उसमें भी
तो यहाँ थोड़े सा शांति रहता है, वीडियो अच्छे से बन जाता है, तो इसीलिए यहीं पर अक्सर मैं आपको शूट करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है गर्मियों के सीजन में अपने प्लांट को हो सके तो डेली एक बार इस तरह से शावर ज़रूर दें, ताकि आपके प्लांट बहुत हेल्दी और देखने में भी सुंदर लगे और हेल्दी भी रहें, अच्छे से इनकी ग्रोथ होती रहे। आप जब तक पानी इस तरह से गर्मियों में स्प्रे करके नहीं देंगे ये उतने खुश नज़र नहीं आएंगे। तो छोटा सा वीडियो था, आपके लिए यूजफुल हो तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।